बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने नूडल्स से लेकर बिस्कुट और शैम्पू से लेकर टूथपेस्ट के साथ करीब 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के साथ देश की बड़ी कंज्यूमर कंपनियों को कड़ी टक्कर दी है, जिसके बाद से देश की बड़ी कंज्यूमर कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट की नींद उड़ गई है। पतंजलि ब्रांड के प्रोडक्ट्स कई कैटेगरीज में नामी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को टक्कर दे रहे हैं। बिस्कुट बनाने वाली ब्रिटानिया के एमडी वरुण बेरी ने कहा कि उन्होंने खुद पतंजलि बिस्कुट को परखा है। वहीं डाबर के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील दुग्गल भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स को ताकतवर मानते हैं। फ्यूचर ग्रुप के फूड और FMCG प्रेसिडेंट देवेंद्र चावला ने हाल ही में हरिद्वार जाकर पतंजलि के 150 एकड़ में बने फूड पार्क का दौरा किया था। आपको बता दें कि फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार और फूड बाजार स्टोर्स में पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। चावला ने बताया, हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास के साथ ही एलीट क्लास के कस्टमर्स भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। पतंजलि के साथ एक फायदा ये है कि ग्राहक इसके प्रोडक्ट्स को आयुर्वेद की सोच के साथ खरीदते हैं। ये केवल एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है, कस्टमर के साथ नई कैटेगरीज में खरीदारी कर लेते हैं। ये ट्रेंड दूसरे FMCG कंपनियों के साथ नहीं देखा जाता। डाबर का मुकाबला च्यवनप्राश और शहद जैसे प्रोडक्ट्स में पतंजलि के साथ है। दुग्गल ने कहा, बाबा रामदेव इस इंडस्ट्री में एक नए व्यक्ति हैं और इस वजह से उनके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। हमें उनके साथ अलग तरीके से निपटना होगा।